मांझी सारण बंजर जमीन को उपजाऊ कर हो रही फूलों की खेती। मांझी चैनपुर निवासी अवनीश कुमार उर्फ बबलू शर्मा अपने बंजर खेत को उपजाऊ बना लगभग एक एकड़ में फूलों की खेती कर अनेकों तरह के फूल उपजा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पटना मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी करने के बाद फूलों की खेती कर युवा वर्ग में मिसाल बने हैं। फूलों की खेती से दर्जनों लोगों को मिलेंगे रोजगार। शर्मा का कहना है कि फूलों की खेती कर समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बेरोजगार युवा जागरूक हों। अब मांझी के बाजारों में दिखेंगे मांझी के खेतों में उगाए हुए फूल, जिसमें गेंदा, गुलाब, चंद्रकांता, फ्रेंच मैरीगोल्ड, चमेली इत्यादि के फूल बाजारों की शोभा बढ़ाएंगे। हाँ तो बताइए, मांझी में मतलब दूर दराज में कभी कोई फूल की खेती के बारे में सोच नहीं सकता है, उसके बावजूद भी आप ये फूल की खेती करना कैसे सोचे, आपके दिमाग में क्या उपज आई? ये तो बहुत दिन से फूलों के प्रति और गार्डनिंग में अपना रुचि, और ये हनुमान जी की प्रेरणा, क्योंकि मंदिर से भी हम लोगों का अपना जुड़ाव होता है, और ये बंजर भूमि 20 वर्ष से उपेक्षित भूमि थी, कोई इसमें यहाँ पर आकर कुछ करना नहीं चाहता था, बहुत बड़ा बड़ा कतरा जंगल हो गया, तो इसको हम लोग एक टीम बना के इसमें हम लोगों ने वर्क किया कि क्यों ना फूल की ही खेती की जाए, ताकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मांझी प्रखंड के इर्द गिर्द हम देख रहे थे कि कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो एक रोजगार सृजन के अवसर हेतु कि हमारे साथ साथ और भी कुछ परिवार जुड़ेंगे, उनके लिए भी रोजगार सृजन भी होगी, एक मार्केट होगा, कुछ और किसान हमारे साथ जुड़ के वो लोग भी फूल की खेती करें, इसके लिए सोचा कि इसको किया जाए। फूलों के लिए पहले से भी हम लोगों को जब आवश्यकता होती थी, कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता था, तो हम लोग निर्भर थे या तो बनारस जाएं या फिर पटना जाएं या फिर छपरा जाएं, तो वहाँ भी जाने के बाद संतुष्टि नहीं होती थी, पैसे भी लगते थे, दरवाजे पर फूल लोग लगा के रखते थे, हम लोग भी लगाते थे, बचपन से उत्सुकता थी इस बात की, तो सोचा गया कि क्यों ना इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से खेत में ही, तो ये करीब 3 बीघा के आसपास का ये प्लॉट है, जो थोड़ा सा खर्चीला मुझे इसलिए पड़ा चूँकि ये प्लॉट पुराना और बंजर हो चुका था, लेकिन अगर फ्रेश ज़मीन में इसकी खेती की जाए तो हमको लगता है कि बहुत कम लागत में, और युवा जो हमारे साथी हैं वो बहुत अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं, जैसा कि देखने पर रिजल्ट आपके सामने है कि हम लोग इसमें तो पैसा तो अच्छा इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो प्रतिफल है हनुमान जी की कृपा से बहुत ही अच्छा है। और इससे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अपना मिशन है, क्योंकि एक टीम काम कर रही है इसमें, जो टीम के लोग हैं, और हम लोगों के काम करना जो हम लोग कर रहे हैं तो लोग देख के दूर दूर दराज के किसान, जो सीमावर्ती हमारे यूपी के भी कुछ किसान प्रभावित हैं और आकर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं इसको क्या किया जाए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के भी लोग यहाँ पर आकर इसको देखे, और निश्चित रूप से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा रहा है और बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश लोगों को यही देना चाहेंगे कि जिस तरीके से फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो अगर ज़मीन है और एक टीम है और मेहनत करना है तो अच्छे कर्म से काम किया जाए तो रिजल्ट सामने है, निश्चित रूप से फूल का फूल है, ज़िंदगी मुस्कुरा रही है और पैसे की भी कोई कमी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम बबलू शर्मा, रामेश्वर एंटरप्राइजेज, मांझी।